अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईवॉल। व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर और सोलर से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूँ। तो जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँगा वो डायरेक्टली आपके मेल बॉक्स में आ जाएगी। अब मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे हाथ में एक मीटर रॉड है, एक मेरे पास है जी एंगल फाइंडर, ये देख सकते हैं आप इस वक्त, ये मेरे पास एक एंगल फाइंडर है। इसके साथ मेरे पास है जी क्लैंप मीटर, और क्लैंप मीटर के साथ मेरे पास है जी ये डिजिटल मल्टीमीटर, और एक और चीज़ एक है जी मेरे पास टेम्परेचर सेंसर। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ। बनाने के लिहाज से ये वीडियो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट पुट करूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ें समझा सकूँ, और अगर आपको ये वीडियो समझ लगती है यानी इससे कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जी व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा काम है वो करेंगे और देखेंगे कि उस काम को करने से मेरे सोलर पैनल की एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। कहने के लिहाज से तो बहुत छोटा काम है, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो काम ये है कि हम इसका एंगल कैसे सेलेक्ट करते हैं। वैसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी था कि 30 के एंगल पे रखना है, 40 के एंगल पे रखना है या 45 के एंगल पे रखना है अपनी ये सोलर पैनल की प्लेट्स को। तो वो आज मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि अगर हम 30 पे रखते हैं तब क्या फ़र्क पड़ता है। मैं क्लैंप मीटर की हेल्प से करंट मेजर करूंगा और मल्टीमीटर की हेल्प से मैं वोल्टेजेस मेजर करूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि जब हम एंगल चेंज करते हैं, लेट्स से मैं जीरो से स्टार्ट कर लेता हूँ, जब बिल्कुल मेरे पास प्लेट सीधी पड़ी होती है तब मेरे पास कितनी करंट आ रही है, कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, जब मैं इसको 30 पे लेके जाता हूँ, जब मैं इसको 45 पे लेके जाता हूँ तब क्या फ़र्क पड़ता है। वीडियो को स्टार्ट यानी कि डेमोंस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पास एक एंगल होता है जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड एंगल। आमतौर पर हम सोलर को लैटिट्यूड एंगल के ऊपर एडजस्ट करते हैं, यानी कि मैं आपको कह सकूं कि अटक में मैं रहता हूं पाकिस्तान में, तो यहां पे रहते हुए मेरे पास अटक का जो लैटिट्यूड एंगल है वो है 33 डिग्रीज। ये आप चेक कर सकते हैं अपने इलाके का। कैसे चेक करेंगे, गूगल पे जाएंगे, जाके टाइप करेंगे जी अपने एरिया का नाम, लेट्स से मेरा नाम मेरे एरिया का नाम है जी अटक, तो मैंने अटक लिखा और साथ लिख दिया लैटिट्यूड एंगल, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक एंगल आ जाएगा जो कि मेरे केस में है जी 33 डिग्रीज। अब 33 डिग्रीज के अराउंड अबाउट इसके करीब करीब अगर मैं अपने इस प्लेट्स को एडजस्ट करूंगा ना तो मुझे बेस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, यानी कि ज़्यादा करंट मिलेगी। और अब ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। अब इसको हम रूल ऑफ थंब मान के नहीं चल सकते, यानी कि हम इसको फिक्स्ड नहीं कर सकते। मैं जिस चीज़ के ऊपर प्रेफर करता हूँ वो ये कहता हूँ कि जी टेस्ट एंड ट्राई। अब चेक करें जोन सा एंगल आपके पास बेस्ट आता है उसके ऊपर आप अपनी प्लेट्स को सेट कर लें। प्लेट्स को सेट करने के लिए आपको फ्रेम बनवाना पड़ेगा, और फ्रेम बनवाने के लिए आपको एंगल का पता होना चाहिए। मार्केट में जितने भी लोग हैं वो मोस्टली 40 to 45 के एंगल पे बना के वो पक्के से फ्रेम होते हैं वो रख देते हैं, और काम चल रहा है, सबका चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जी क्या वो बेस्ट है या अपने हिसाब से खुद अपनी प्लेट्स के लिए एंगल को निकाला जाए। आपको मैं बता दूं इस वक्त हो गए हैं जी 1:30 हो चुका है, 15 तारीख है अप्रैल की। टेम्परेचर में बताता हूँ इस वक्त टेम्परेचर क्या है ताकि हम पूरा अच्छे तरीके से एवेल्यूएट कर सकें। ये देखें, ये वही मेरे पास चार्ज कंट्रोलर है, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ इस वक्त 42 डिग्रीज टेम्परेचर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, टेम्परेचर 42 डिग्रीज है। अब हम देखते हैं जी हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं एंगल को। एक होती है मैनुअल डिवाइस जिसके दरमियान में वो बबल लगा हुआ होता है, उस बबल को हम उस डिवाइस को उस पर रखते हैं और एंगल फाइंड हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि आज का दौर है मोबाइल का, तो मोबाइल में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं। मैंने एक ऐप रेंडमली डाउनलोड की है, उसी ऐप की हेल्प से मैं ये अभी एंगल को चेंज करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये ऐप चाहिए हो तो ये आपको बड़े आराम से प्ले स्टोर से मिल सकते। अच्छा, थोड़ा सा आपको ज़रा एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे दूं तो आप देखें कि ये मेरे पास एप्लीकेशन है, और जब कभी मैं इसका एंगल चेंज करता हूं तो यहां पे ये एंगल इसका चेंज हो रहा है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने ये अपना जो एंगल फाइंडर है इसको ऑन कर लिया हुआ है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इस पर एक बार ज़रा जूम कर लेता हूँ, इसको मैं जैसे जैसे चेंज करता हूँ इसका एंगल चेंज होता है। अब देखें, इसको मैंने यहां पे रख दिया,
इस वक्त जो मेरे पास एंगल आ रहा है वो है 14 डिग्रीज, यानी कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, इसका एंगल है 14 डिग्रीज पे। अब मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ और इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखें 14 डिग्रीज, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता उठाया 25। इसी तरीके से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टास्क है, ऐसे करता हूँ इसके इमेजेस बना के लगा देता हूँ और उस एंगल के साथ जितनी करंट आ रही है वो भी मैं साथ ही अटैच कर दूंगा, तो आपको पता चलता जाएगा कितने एंगल पे हमारे पास कितनी करंट आ रही है। तो ये 14 पे हम देख लेते हैं हमारे पास करंट कितनी आ रही है। अच्छा, अभी आप देखें कि मेरे पास एंगल है 14 डिग्रीज का, 14 डिग्रीज पे 4.61 एम्पियर्स में, 4.57 एम्पियर्स मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं एंगल को इंक्रीज करता हूं और देखते हैं कि जी कितना करंट आता है। अब मैं चला गया हूं जी एंगल, ये आगे जी एंगल 30 पे, तो 7.26 करंट आ रहा है। अब मैं एंगल पे आ गया हूं जी एंगल 45 पे, तो 7.24 और इंक्रीज करते हैं। देखिए ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ तो जितना वर्टिकल हो रहा है करंट मेरे पास गिरना शुरू हो गया। अब आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। ये देखें 7.29 मेरे पास इस कंडीशन में मैक्सिमम आ रहा है, यानी कि 42 के एंगल पे। तो मैं क्या करूँगा कि अपना जो चेसिस होगा, अपना जो इसका स्टैंड होगा, वो 42 के एंगल के ऊपर कटवा लूँगा। अब मैं कैसे 42 के एंगल पे इसको बनाऊँगा ये आपको मैं बता देता हूँ जी। 42 के एंगल के ऊपर मेरे पास मैक्सिमम करंट आ रही थी, और अब मैं बताता हूँ कि हमने 42 के एंगल के लिए इसका जो स्टैंड होता है वो कैसे बनाना है। तो 42 के एंगल के लिए पहले आप क्या करें कि देख लें जी 42 की कितनी हाइट आ रही थी। ये मैं ले आता हूँ अपना मीटर रॉड, और जहां पे मेरे पास 42 का एंगल आ रहा था, देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा था, लेता हूं। और ये है जी मेरे पास 42 का एंगल, ठीक है। अब इस 42 के एंगल के ऊपर आपने क्या करना है कि यहां से इसकी लेंथ मेजर कर ली, जो कि मेरे पास आ रही है जी 37 इंचेस 36 इंचेस 37। तो आपने क्या करना है, लेंथ मेजर कर लेनी है और 37 इसकी ये वाली हाइट होनी चाहिए, और वहां से आप जीरो रख सकते हैं, 37 के हिसाब से आप इसको कटा लेंगे और ये आप बना सकते हैं। जी व्यूअर्स देखें इस वक्त तकरीबन ये 90 के एंगल पे है, और अब मैं इस प्लेट को आहिस्ते आहिस्ते पीछे लेके जाता हूँ और आप देखना कि इसकी करंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। जी इसको पीछे लेके जाएं, ये देखें करंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, 3.7.32, 7.25, और ये जैसे जैसे एंगल इसका कम हो रहा है 7.6.9, ये देखें ये करंट कम होते हुए जब मैं इसको बिल्कुल नीचे ले आया हूँ तो ये आ गया है जी 6.10, और ये 6 से भी देखें। इससे पता चला कि जब कभी भी आप इसका एंगल चेंज करेंगे तो एंगल जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे आपके पास करंट चेंज होगी। अब ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, देखें ये देखें ये फ्लैट हो चुका है, और फ्लैट होने के ऊपर आपके पास 5.40 एम्पियर करंट आ रहा है। अब देखा जाए कहने को तो ये फ्लैट है, लेकिन इस वक्त जो सूरज की डायरेक्शन है वो मेरे बिल्कुल राइट साइड पे आ चुकी है, तो फिर भी वो कोई एंगल बना रहा है। तो ये था जी एंगल का करंट के साथ रिलेशन। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बनाने के लिए हमसे काफ़ी डिफिकल्ट थी, और उम्मीद करता हूँ कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करने से ये होगा कि यही इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगी। तो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। और अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ लगी भी तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, मैं कमेंट्स का पर्सनली खुद रिप्लाई करता होता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।